ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। वेलकम टू राजेंद्र नगर भाई। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे, पर आप ही क्यों बने? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बने? याद नहीं हमको कॉलोनी क्या कहते थे यार? लाइका ट्राइपॉड। लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क कोई नहीं लेता है। देख, मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत सब्जेक्ट चुना। अब चेंज तो मैं कर रहा हूँ, ये तो डिसाइडेड है। एक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हो रहा इससे यार, देश के बारे में डिसीजन कैसे लेगा? अंकल वो कमरे में आपके टीवी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बंद कर लीजिए। बेटे इसीलिए तो तेरे कमरे का किराया कम है ना। ये बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है, पैनल को इंप्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है। दिन भर तुम परचत्ती पे खड़े किताब को देखते रहो, उससे यूपीएससी क्लियर होगा क्या? उसे ही पता है कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप ना यहीं रह जाते हैं। देखो अभिलाष, तुम अगर 100% कॉन्फिडेंट होते तो रिजाइन करके जाते, सबैटिकल लेके नहीं। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। ये यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस लेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। नोट बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। तू रियल में क्या सोचता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है।